नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर इन्फोवेज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपको एनटीएससी का फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। दोस्तों, पूरे देश भर से इतनी कॉल्स आ रही हैं भाई, मैं क्या बताऊं आपको। इससे पहले भी मैं 4-5 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जो शहरों के लोग हैं, मेट्रो सिटीज के लोग हैं, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के लोग हैं, वो तो बड़े आराम से कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन उसके अलावा भी दोस्तों इतने कमेंट्स आ रहे हैं एनटीएससी के लिए। और दूसरा, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आज मैं बताना नहीं चाहता बट मैं बड़ा दुखी होकर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, इतनी कॉल्स आ रही है भाई, मैं 10 बार, मतलब इतनी बार समझा चुका हूँ, लेकिन उसमें उनकी भी गलती नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा गांव वगैरह से या रूरल एरिया वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत आता है। तो मैंने ये स्पेशल वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि उन लोगों को फॉर्म भरने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। ये देखो, आपके सामने एनटीएससी का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है। हर स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा ही होता है, चाहे वो हरियाणा का हो, पंजाब का हो, ठीक है दोस्तों। और उसके अंदर पहले से ही ये जो स्कूल कोड है, ये पहले से ही डला होगा। ये सब आपके काम का नहीं है, ये आप छोड़ दीजिए। आप क्या करो, एक है ना, मैं मतलब अब ऑनलाइन नहीं बताऊंगा, अब मैं सिंपल एक तरीका क्या कर रहा हूँ। आप क्या करो दोस्तों, ये जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें ये कोड डाला हुआ है, ये सारा कुछ एज इट इज एक रफ पेज ले लो, है ना। और रफ पेज के अंदर पूरा सेम ऐसा ही फॉर्मेट तैयार करो, ठीक है। ये आप छोड़ दो, ये स्कूल कोड आपके काम का नहीं है, स्टेट कोड आपके काम का नहीं, ये हम अपने आप भर देंगे। इसके बाद ईयर ये छोड़ दीजिए, सेंटर कोड ध्यान से देखिए, ये सारा कुछ ऑफिशियल यूज लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपके मतलब का नहीं है, ये आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर हम नीचे चलें तो देखेंगे, एक मिनट मैं स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और मजा आए वीडियो देखने में। देखो जरा, ये सारा कुछ इस ऑफिशियल यूज के लिए, तो इसके साथ आप पंगा मत लीजिए। ये इधर अपनी एक फोटो लगाइए रफ कॉपी में, रफ एक पेज में, और उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। एनटीएससी का एग्जाम ये लास्ट ईयर का है, तो आप इसकी टेंशन छोड़ दीजिए, ये सारा कुछ आपके काम का नहीं है। आप क्या करो, एक रफ पेज में ना दोस्तों अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिए, जैसे 7070519992, जो भी आपका नाम है, VINAY स्पेस KUMAR स्पेस RAI। उसके बाद अपने फादर का नाम डालिए, जो भी आपके फादर का नाम है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपना ले रहा हूँ, OM OM PRAKASH स्पेस RAI राय। ऐसे ही मदर का नाम आप डालिए, MAN स्पेस MANJU स्पेस RAI, ठीक है। इसके बाद आप मेल है, फीमेल है, मेल है तो 1 डालिए, फीमेल है तो 2 डालिए। और उसके बाद अगर जो आपका, ध्यान से देखिए, अगर जो आपका जो एरिया है, ध्यान से देखिए दोस्तों, फिफ्थ कॉलम जो है, फोर्थ कॉलम में आपको सेक्स डिफाइन करना है। अगर आप मेल है तो 1 डालिए, फीमेल है तो 2 डालिए। और एरिया, अगर आप रूरल एरिया से हैं, गांव से हैं, तो आप 1 डालिए। अगर आप अर्बन यानी शहर से हैं तो आप 2 डालिए। कैटेगरी इसमें आप बताइए, आपका जर्नल है तो 1 डालिए। अगर आप SC हैं तो 2 डालिए, और अगर आप उसके अलावा ST या कोई और अदर कोई भी क्लास है तो आप इसमें 3 डालिए। और इसमें अगर आप मतलब इसमें किसी भी तरह की अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, ये तो बेसिकली जैसे डिसेबिलिटी के लिए है, तो ऐसे केसेस तो बहुत कम ही होते हैं, तो उसमें आप 1 डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, प्रॉपर फुल एड्रेस डालिए अपना, जिस एड्रेस पे आपका इसमें, जैसे क्या होता है, एड्रेस वगैरह इसलिए लिया जाता है जिसमें आपका एडमिट कार्ड वगैरह कई बार ऑफलाइन भी आता है, तो आपके घर पे भी एडमिट कार्ड आता है। वैसे तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो, तो इसमें आप फुल एड्रेस डालिए। और पिन कोड आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, जैसे अम्बाला का जो पिन कोड है 133001 है, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके अलावा आप अपना पूरा नाम डालिए और स्कूल का पूरा एड्रेस, जैसे मेरा नाम है विनय कुमार राय, तो मैं यहाँ पे डालूंगा VINAY विनय कुमार राय। स्कूल जो है, जैसे मैं यहाँ पे स्कूल का नाम डाल दूंगा, किसी भी XYZ, जैसे मान लो आर्मी स्कूल अंबाला कैंट है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा आर्मी पब्लिक स्कूल अंबाला कैंट, और ये अंबाला का पिन कोड आ जाएगा पूरा। उसके बाद जो 10th वाला है, 10th वाला देखिए, जिस भी आप स्कूल में, लाइक जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप वहां पे 1 डाल दीजिए, और आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे 2 डाल दीजिए। ये ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट अनएडेड एडेड, आप गवर्नमेंट स्कूल में है तो 1 डाल दीजिए और प्राइवेट स्कूल में है तो 2 डाल दीजिए। उसके बाद एरिया इन विच द स्कूल लोकेटेड, आपका जो स्कूल है वो कहाँ पे आता है, गाँव में आता है कि शहर में आता है, रूरल एरिया में आता है तो आप 1 डाल दीजिए, और शहर में आता है तो आप 2 डाल दीजिए। मीडियम, ये देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, 12th कॉलम दोस्तों ध्यान से,
ट्वेल्थ कॉलम देखिए, ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, इधर ध्यान दीजिए। मीडियम ऑफ एग्जाम एट, ये स्टेट लेवल का है और उसके बाद ये एनसीईआरटी लेवल का है, तो इसमें आप डालेंगे स्टेट लेवल, क्योंकि ये आपका फर्स्ट फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला दोस्तों आपको स्टेट लेवल का होता है, जो सेकेंड वाला होता है वो मतलब नेशनल लेवल का होता है। उसके बाद फादर की एजुकेशन, यहाँ पे आपके जो फादर है वो 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन है वो यहाँ पे डालिए। फादर का ऑक्यूपेशन मतलब आर्मी में है, डिफेंस में है, प्राइवेट जॉब है, या जो भी है, किसान है, फार्मर है, लेबर है, वो सब कुछ आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद मदर ऑक्यूपेशन, हाउसवाइफ मतलब मदर की एजुकेशन डालिए 15 नंबर में, 16 नंबर में ऑक्यूपेशन डालिए, मदर क्या करती है, हाउसवाइफ डाल दीजिए, इधर टीचर है तो टीचर डाल दीजिए। और 17th कॉलम है दोस्तों, 17th कॉलम में क्या है कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, यहाँ पे एक दो जितने भी फैमिली मेंबर, ब्रदर सिस्टर जितने भी, वो डालिए, दो ब्रदर है, तीन है, सिस्टर यहाँ पे डालिए। एट 20 कॉलम में आपका आ रहा है कि एट व्हाट नंबर इज द कैंडिडेट अमंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब आप एट व्हाट नंबर इज द कैंडिडेट अमंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब आप अपने घर में फर्स्ट पे आते हैं, सेकंड पे, थर्ड पे, मतलब जो भी है। जैसे मैं अपने घर में, मेरी सिस्टर जो है सबसे बड़ी है, उसके बाद मैं सेकंड नंबर पे आता हूँ। उसके बाद एनुअल इनकम के बारे में पूछा जा रहा है, पेरेंट्स की एनुअल इनकम यहाँ पे डालिए अप टू 2 लाख, अगर अप टू 2 लाख है तो 1 डालिए, 2 लाख से ज्यादा है, 2 और 3 लाख के बीच में तो 2 डालिए, 3 और 5 लाख के बीच में तो 3 डालिए, और 5 और 10 लाख के बीच में तो 4 डालिए, और 10 लाख से ज्यादा है तो 5 डालिए। टेलीफोन नंबर प्रॉपर डालिए एसटीडी कोड के साथ, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, जो भी आपके नंबर है, जैसे हमारा नंबर है 9729199, सॉरी एनटीएससी के लिए जो हमारा नंबर है 7087907020, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल कीजिए, 7087907020। उसके बाद आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालिए अपना, उसी पे आपको मेल आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड आएगा, और ये नीचे वाला जो है फटाफट अपने स्कूल से भरवा लीजिए कि मेरा नाम विनर आया है और मैंने 9th क्लास में, यहाँ पे डालिए 60% से ऊपर आना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। और मेरे 500 में से यहाँ पे जितने भी नंबर आए थे आपके, 400 नंबर, 300 नंबर, ये तो प्रिंसिपल वगैरह को पता होता है, जो भी आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो आपको बता देंगे। और स्कूल के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली आप जर्नल है, एससी एसटी आईडी है, वो डालिए, और यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल के साइन होंगे। ये पूरा फॉर्म आप भर के दोस्तों, अच्छे से ये पूरा फॉर्म भर के रफ पेज में आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 7087907020 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी जो टीम है वो आपका फॉर्म खुद भरेगी, सारा कुछ वो खुद आपको करके देगी दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा, जो रूरल एरिया से लोग हैं, गांव एरिया से लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो हम आपको हेल्प करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आप भी जाने अनजाने में किसी अपने दोस्त की मदद कर सकते हैं एनटीएससी का फॉर्म भरने में। ये जो ऊपर का जो पूरा है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो ऊपर का पूरा जो है ये आपके काम का नहीं है, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, ये एज इट इज आप छोड़ दें, ये हमारा काम है। जो भी आप एड्रेस डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का एनटीएससी का फॉर्म हम ऑनलाइन भर देंगे। उसके बाद ये जो फॉर्म वगैरह फिल करना है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सारा ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन, मतलब काफी चीजें मैं बता चुका हूँ, लेकिन दिक्कत आ रही है। और इस साल जो एनटीएससी का पेपर होना है दोस्तों, वो 4 नवंबर को होना है, 5 नवंबर को नहीं होना है, 4 नवंबर को संडे है, उस दिन होना है, ये लास्ट ईयर का, इसलिए इसमें पुरानी डिटेल्स है, और ये एड्रेस वगैरह सब उसमें पहले से ही लिखा होता है, तो आपको पंगा लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो भी आपका, जैसे ये पौंडीचेरी का तो यूनियन टेरिटरी में आता है, स्टेट का होगा तो यहाँ पे हरियाणा स्टेट आएगा, पंजाब का होगा तो यहाँ पे पंजाब स्टेट आएगा, हर स्टेट का अलग अलग होता है। और ये सब चीजें, ये 10th क्लास का कोड, ये सब हम भरेंगे, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसके अलावा बस यही है कि आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो थोड़ा सा विश्वास रखिए, पेशेंस रखिए। इसके अलावा कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुकी है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत मौके आएंगे। अगले साल 11th क्लास में आप KVPY का फॉर्म भर सकते हैं, और KVPY से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके लिंक वगैरह में चेक कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा बताया एनटीएससी का फॉर्म भरने का शॉर्टकट तरीका, दिस इज द फास्ट वे, फास्टेस्ट वे, जिसमें आप बहुत आराम से एनटीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। और ये नीचे वाला जो पूरा है टू बी फिल्ड बाय, ये जो है आपके स्कूल से, यानी आप इसमें सिर्फ वही बच्चे एनटीएससी का फॉर्म भर सकते हैं जो इस टाइम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो नॉन अटेंडिंग है, नॉन बोर्ड से है, वो भर नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर रोज सुबह 8 बजे मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।